आज हम बना रहे हैं रसमलाई बाजार जैसी। तो आइए करते हैं, फटाफट बनाते हैं रसमलाई, टेस्टी टेस्टी। आइए, ये हमने लिया है 1 किलो अमूल का दूध और अब इसको कर लेते हैं गरम। और ये दूध चढ़ा दिया हमने और इसको 1/3 करना है। इसको ऐसे से घुमाते चले जाएंगे ताकि नीचे ना लगे। और जो साइड पे मलाई आएगी उसको बीच में करते रहेंगे। ये देखिए साइड से जम रहा है तो इसको बीच में कर लेंगे। और इसको ज़्यादा गाढ़ा हमने करना नहीं है, 1/3 हो जाए तो बस। इसमें डालते हैं फिर हम केसर, और दूध में डालेंगे हम 1/2 कप चीनी और अच्छे से इसको मिला लेंगे। ऑलमोस्ट ये 1/3 हो चुका है दूध। और अब इसमें डाल देंगे केसर, और मैंने थोड़ा सा कलर लिया है फूड कलर, तो इसको मिला लेते हैं। आप खाली केसर डालेंगे तो उससे इतना अच्छा कलर नहीं आता है, और फूड कलर डालेंगे तो उससे कलर आ जाएगा, उससे फिर आपको बिल्कुल ये बाजार जैसी लगेगी। रबड़ी को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और ये हमारी रेडी हो चुकी है अब रबड़ी। और अब बना लेते हैं चाशनी। चाशनी के लिए डालेंगे हम 1 कटोरी चीनी और 4 कटोरी पानी। और ये हमारी चाशनी में उबाल आ गया। इसको ज़्यादा हमने थिक नहीं बनाना है, इनको पतला पतला ही रहने देना चाहिए। चलो अब करते हैं रसमलाई की तैयारी। और ये मैंने रात को बना दिया था छेना, 1 किलो दूध का छेना। आपको देखना है कैसे बनता, तो हमने रसगुल्लों के इसमें बनाया था छेना, तो ये निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट बना है, तो इसको खूब अच्छे से हम मैश कर लेंगे इस हाथों से, ऐसे ऐसे करके खूब, जैसे रसगुल्ले बनाते हैं वैसी उसी तरह से बनाते हैं। और इसको खूब मतलब 5-10 मिनट तक आपको खूब अच्छे से मैश करना है। अच्छे से मैश हो गई है, आप ऐसे करके देख सकते हैं ये चारों तरफ से फटी नहीं है, तो इसका मतलब आपकी ये तैयार है। और ऐसे करके आप इसको इसको थोड़ा सा बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। इसको गोलों को बना के हल्का सा इसको प्रेस कर देना है, और इस तरह से हम सारे बना के कर देंगे। बस ऐसे हल्के से प्रेस कर देना। इधर हमारा ये जो शुगर सिरप था ये भी बॉइल हो गया, इसको उबलते हुए सिरप में डालेंगे। ये देखिए फूल के एकदम से ऊपर को आ रहे हैं, और इसको कम से कम 10-15 मिनट तक तेज आंच में पकाना है, और फिर थोड़ा सा धीमे आंच में पकाएंगे। टोटल इसको 30 मिनट तक, लगभग 30 मिनट लग जाते हैं इनको पकने में। और इसमें जो है झाग आने जरूरी है, ये झाग आए तो बेटर है। 20-25 मिनट हो चुके हैं और अब ये बनकर तैयार हो चुकी है। ये डालते हैं अपना हम सिरप इसमें थोड़ा सा, और
स्वीट डालते हैं आप, रस मलाई डालते हैं। तो लीजिए, ये रस मलाई हो गई हमारी तैयार, और अब इसमें डालते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। थोड़े से मैंने बादाम और काजू ही थे, आप पिस्ता डालें तो पिस्ता भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसमें, तो मेरे पे पिस्ता नहीं थे। तो ये देखिए, ये हो गई हमारी रसमलाई तैयार, और इसको रख देंगे एक दो घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो रसमलाई हो गई है रेडी हमारी। तो देखिए कैसी बनी है, स्पंजी स्पंजी सी हमारी ये रसमलाई, स्पंजी बनी है और कलर भी बिल्कुल ऐसा आया है बाजार वाला, ये देखिए स्पंजी। तो आप भी ट्राई करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी रसमलाई कैसी बनी है, बिल्कुल ऐसी बनी है, देखिए बाजार जैसी लग रही है ना, तो घर में बनाइए फटाफट, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसमें। तो हमारे चैनल को करिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए।